हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन सिविल इंफॉर्मेशन। टुडे वी आर गोइंग टू प्रोसीड आवर वीडियो लेक्चर 3, दैट इज बेस्ड ऑन IS 456-2000, एंड दिस कोड इज यूज्ड फॉर डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट। दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ the IS 456-2000. IS stand for Indian Standard, 456 stand for Plain and Reinforced Concrete. 456 is stand for Plain and Reinforced Concrete, and 2000 is stand for the publishing year. इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि इसमें इस IS 456 को हम लोग किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक चीज़ आप समझिए कि इसमें 5 सेक्शन में इस IS 456 को 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जनरल भाषा में हम लोग बोल सकते हैं 5 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है, और जो बातें इस चैप्टर में नहीं आ पाई हैं उसको हम लोगों ने एनेक्स के माध्यम से इसमें इस्टेब्लिश किया है, जिसमें 8 एनेक्स हैं। तो 5 सेक्शन और 8 एनेक्स मिलके हमारा IS 456-2000 को कंप्लीट कर रहा है, जिसमें से सेक्शन टू इस तरीके से हमारे टोटल 5 सेक्शन हो गए हैं। अब इस 5 सेक्शन में एक चीज़ आप ये समझिए, सेक्शन की जगह पे आप ये भी समझ सकते हो चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, लेकिन ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड में चैप्टर ना लिख के यहाँ पर सेक्शन लिखा गया है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 5, मतलब एक तरीके से चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, और जो बातें चैप्टर इन 5 चैप्टर में नहीं आ पाई हैं उनको एनेक्स के माध्यम से एनेक्स ए, एनेक्स बी, एनेक्स सी इस तरीके से एच तक, ए टू एच तक उसको लिख के इसमें ऐड किया गया है। तो इस पूरे कंप्लीट सिस्टम को जब हम लोग पढ़ेंगे तब IS 456 हमारा 2000 कंप्लीट होगा। तो सेक्शन 1 जनरल बातों को बताता है, जनरल बातें जिसमें हमारी एक तरीके से हेडिंगें हैं, हेडिंग। तो इसमें हेडिंगें जो हैं हमारी सेक्शन 1 यानी कि चैप्टर 1 में आप ये समझ सकते हो हेडिंग नंबर 1 से लेके 4 तक की बातें दी गई हैं सेक्शन 1 में। और सेक्शन 2 जो है, मतलब चैप्टर 2 जिसको हम बोल रहे हैं, वहाँ पर 5 से 17 तक बातें दी गई हैं, और सेक्शन 3 में 18 से 17 के बाद आ गया 18 से 27, मतलब 18 से 27 के बाद 28 टू 34, और 34 के बाद 35 टू 43, मतलब एक तरीके से 43 लास्ट में आया। 43 हेडिंगें हैं इसमें, मतलब IS 456 के अंदर 43 हेडिंगें हैं। अब हेडिंग के अंदर क्या आता है, सब हेडिंग। जैसे कोई हेडिंग नंबर 1 है, अब इसके अंदर कोई बात अगर हमको लिखनी है तो 1.1 करके मैंने एक सब हेडिंग डाल दी। तो इसको इस तरीके से डिजाइन करा गया है, मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि इसको एक्चुअली किस तरीके से पढ़ना है। तो अब जैसे कोई बात अगर 5 नंबर हेडिंग में अगर लिखी गई है और वो बात को और ज़्यादा अगर एक्सप्लेन किया गया है डीप में जाके, तो हेडिंग के अंदर सब हेडिंग बना दी गई है 5.1.1 इस तरीके से, 5.1.2 इस तरीके से। तो हम लोग इस IS कोड को अब इस तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो आप एक तरीके समझ लीजिए टोटल 43 हेडिंगें हैं, 5 चैप्टर हैं, और जो बातें इन 43 हेडिंगों में नहीं आ पाई हैं वो एनेक्स के माध्यम से 8 एनेक्स जोड़े गए हैं। जो एडिशनल चीज़ें हैं, मतलब एनेक्स ए में जोड़कर कुछ बातें वहाँ पर लिखी गई, एनेक्स बी में कुछ बातें लिखी गई, एनेक्स सी में इस तरीके से एच तक हैं। तो सबसे पहले एक बात आप समझिए, नो डाउट ईच वर्ड ऑफ IS कोड आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट फॉर स्टूडेंट्स ऑल आर नॉट
all are not of same importance. So effort has been made to consolidate the importance clause for student only with explanation and factorial representation. इसमें कोई संशय नहीं है कि IS कोड के सारे ही जो क्लाउज और जो भी हेडिंगे हैं जिनको हम बोल रहे हैं सारे पॉइंट जो हैं सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें सारी नहीं पढ़नी. आउट ऑफ विच थ्री सेक्शन, सिर्फ इसमें से हमें तीन सेक्शन जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है फॉर द एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से. और एनेक्स जो हैं वो भी हमारे तीन, मतलब टोटल तीन सेक्शन और तीन एनेक्स को अगर हम लोग बारीकी से पढ़ लेते हैं तो IS 456/2000 काफ़ी हद तक हमको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा. तो आइए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं. सेक्शन वन इज टॉकिंग अबाउट जनरल, बस इसमें जनरल चीज़ें दी गई हैं. डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंबल्स आर गिवन विच इज यूज इन केस ऑफ एनी कन्फ्यूजन बिटवीन टू सिंबल्स. सेक्शन वन में एक से लेकर चार तक हेडिंगें जो दी गई हैं उसमें जो मेन चीज़ है समझने वाली वो है सिंबल्स के बारे में. जैसे कि परमिसिबल स्ट्रेस का सिंबल क्या होगा, शियर स्ट्रेस का सिंबल क्या होगा, स्ट्रेंथ को किस सिंबल से डिफाइन करेंगे. तो इस तरीके से हमारे सिंबल्स को यहाँ पर डिफाइन करा गया है सिर्फ सेक्शन वन में. सेक्शन वन जिसको चैप्टर वन बोल रहे हैं, चैप्टर वन का नाम है जनरल. चैप्टर टू जिसको सेक्शन टू बोलते हैं इसका नाम है मटेरियल वर्कमैनशिप इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, जिसमें हेडिंग 5 से लेकर 17 तक इसमें दी गई है. सेक्शन थ्री जनरल डिजाइन कंसीडरेशन जो कि हेडिंग 18 से 27 तक दी गई है. सेक्शन फोर हमारा जो है वो है स्पेशल डिजाइन रिक्वायरमेंट्स फॉर स्ट्रक्चरल मेंबर एंड सिस्टम, जहाँ पर हेडिंग 28 से लेके 34 तक दी गई है. सेक्शन फाइव में क्या दिया गया है, स्ट्रक्चरल डिजाइन, जिसमें लिमिट स्टेट मेथड को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, लिमिट स्टेट मेथड को LSM को, जो कि 35 से लेके 43 तक के हेडिंग के बीच में इस चीज़ को बताया गया है. अब एनेक्स जो है हमारे हैं तो टोटल 8 एनेक्स, लेकिन हमारे मेन जो एनेक्स हैं जिसमें हमें फोकस करना है वो है हमारे B, D, E और G को आप पढ़ सकते हो. मैंने तीन बोले थे लेकिन आप अगर चाहो जी को भी पढ़ सकते हो क्योंकि वहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं. वैसे IS कोड ही पूरा इम्पोर्टेंट है, लेकिन हमें एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इसको पूरा नहीं कवर करना, हमें इतना कवर करना जिससे हमारे 90-95% सिलेबस कवर हो जाए. तो जो एनेक्स बी है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के बारे में बताता है, जहाँ पर WSM के बारे में बताया गया, वर्किंग जैसे लिमिट स्टेट मेथड है तो यहाँ पर वर्किंग स्ट्रेस मेथड को यहाँ पर बताया गया है. एनेक्स डी स्टैंड फॉर स्लैब स्नैपिंग इन टू डायरेक्शन, और ई स्टैंड फॉर इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे अभी. जी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फॉर रेक्टेंगुलर एंड टी सेक्शन, तो मूवमेंट हमारा रेक्टेंगुलर और टी सेक्शन के लिए किस तरीके से हमारा यूज करना है उसको यहाँ पर बताया गया है. तो फिर आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन टू. सेक्शन टू व्यवहारिक भाषा में हम बोलेंगे चैप्टर टू जो कि हेडिंग नंबर 5 से लेके 17 तक के बीच में हमारा बताया गया है. इसको हम लोग देखते हैं. इसका नाम है हमारा मटेरियल वर्कमैनशिप इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग. सेक्शन टू अब देखिए, सेक्शन टू यानी चैप्टर टू जो है मेरा हेडिंग 5 से लेके 17 के बीच में हमारा इसको दर्शाया गया है, जिसका नाम है मटेरियल वर्कमैनशिप इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग. इसका नाम ही है मटेरियल वर्कमैनशिप इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग. इसको 5 से 17 में विभक्त किया गया है, तो मैंने इसको मटेरियल का एक अलग कॉलम बना दिया, वर्कमैनशिप का अलग, इंस्पेक्शन का अलग, टेस्टिंग का अलग. तो हेडिंग नंबर 5 और 6 को 6 में मटेरियल के बारे में बताया गया है, तो इसको मटेरियल में कर दिया. 5 से 17 तक हमें बढ़ना है. 6 के बाद आता है 7, 8, 9, 10 और 11.
यहाँ पर वर्कमैनशिप के बारे में बताया गया है, मतलब कि जो वर्कर होते हैं उसके फेवर में और अनफेवर में कंडीशनें बताई गई हैं कि वर्कएबिलिटी क्या होगी, उस तरीके की सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। तो ये इन हेडिंगों में यहाँ पे बता दी गई है। इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन हमारा है 12, 11 के बाद 12, 13 और 14 में हमारा इंस्पेक्शन बताया गया है। टेस्टिंग के लिए मैंने हेडिंग को दे दिया है 15, 16 और 17 में टेस्टिंग से रिलेटेड चीज़ें बताई गई हैं। तो इस तरीके से हमने इन हेडिंगों को इस तरीके से डिवाइड कर दिया है। मटेरियल के बारे में 5 और 6 में बताया गया है, वर्कमैनशिप के बारे में 7, 8, 9, 10, 11। तो अब देखिए कोई बात मटेरियल, जैसे 5 नंबर जो हेडिंग है इसका नाम है 5.0 में लिखा हुआ है मटेरियल। इस तरीके से जब आप IS कोड अपना लेके आप उसको साथ में चलिए देखिए, तो 5 के अंदर हमारा एक, अब मटेरियल में हमारे किस तरीके के मटेरियल आएंगे। मटेरियल में आएगा हमारा सीमेंट, मिनरल, मिनरल एडमिक्सचर, एग्रीगेट, एग्रीगेट के बाद आएगा वाटर एडमिक्सचर, रेनफोर्समेंट, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, तो 5 के अंदर 5 हो गई हमारी मेन हेडिंग। 5 के अंदर इस हेडिंग की एक सब हेडिंग है 5.1, जिसको नाम दिया गया है, जिसमें दिया गया है सीमेंट के बारे में। इसी तरीके से इस हेडिंग की दूसरी सब हेडिंग को नाम दे दिया गया 5.2, तीसरी सब हेडिंग को 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, इस तरीके से सब हेडिंगें बना दी गई। अब कोई बात सीमेंट से रिलेटेड अगर की गई है जो कि 5.1 में अगर नहीं कंप्लीट हो रही है, तो इसको एक फर्दर सब हेडिंग बना दिया जाएगा 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3। इस तरीके से ये हमारा IS कोड डिजाइन किया गया है ताकि इसको समझने में आसानी हो। इसी तरीके से अब हम लोग चैप्टर 2 का एक बार 5 से 17 तक हेडिंगों में क्या क्या दिया गया है इसका एक ओवरव्यू ले लेंगे, फिर हम लोग चैप्टर 2 को बारीकी से पढ़ना चालू करेंगे, जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है चीज़ें उसको। तो देखिए 5 में मटेरियल के बारे में दे दिया गया, जिसमें मटेरियल के अंतर्गत सीमेंट, मिनरल एडमिक्सचर, एग्रीगेट, वाटर एडमिक्सचर, रेनफोर्समेंट, स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इन इन सबको सब हेडिंग बना के अंदर डाल दिया गया। अब इस तरीके से छठा, जो ये छठी हेडिंग है, छठी हेडिंग में कंक्रीट के बारे में बताया गया है। कंक्रीट यहाँ पे कंक्रीट के बारे में बताया गया है। 7वें में अब आप अपने IS कोड से मिलाते जाइएगा, 7वें में वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट दी गई है, 8वें में ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट दी गई है, 9वें में कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन के बारे में बताया गया है, जिसमें मिक्स डिजाइन एंड नॉमिनल डिजाइन के बारे में इसमें बताया गया है। यहाँ पर 9.1, 9.2 करके एक में बता दिया गया है आपका मिक्स डिजाइन, एक में नॉमिनल डिजाइन क्या होती है इसको बताया गया है। 10वें में प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, कंक्रीट वही इसमें बैचिंग, मिक्सिंग, वो सारे प्रोसेस यहाँ पे बताए गए हैं किस तरीके से, मतलब फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। तो 11वें में अब देखिए, सबसे पहले हमने मटेरियल के बारे में पढ़ा, ये सिस्टमेटिक एकदम चैप्टर को रखा गया है। सबसे पहले हमें मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए, जब हमें सारे मटेरियल पता चल गए तो हमने कंक्रीट बनाया। कंक्रीट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। तो यहाँ पर हमने सीमेंट के बारे में पढ़ लिया, एग्रीगेट के बारे में पढ़ लिया, वाटर भी है और एग्रीगेट में ही हमारा सैंड भी आ जाएगा, तो हमने यहाँ से बना लिया कंक्रीट। कंक्रीट बनाने के बाद हमने इसकी वर्केबिलिटी और ड्यूरेबिलिटी चेक कर लिया 7वें और 8वें में। 9वें में हमने कंक्रीट के प्रोपोर्शन को चेक कर लिया, मिक्स डिजाइन, नॉमिनल डिजाइन। तो इसके बारे में, इसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो मैंने बनाया हुआ है, अगर आप चाहो तो डिजाइन मिक्स का आप वीडियो मेरा देख सकते हो। तो डिजाइन मिक्स जो होता है बाय वेट, इसको हम लोग डिजाइन करते हैं और एटमॉस्फेरिक कंडीशन को लेकर। नॉमिनल डिजाइनिंग, नॉमिनल कंक्रीट जो होते हैं वो हमारे रेशियो पर डिपेंड करते हैं। तो इस तरीके से 10वां और 11वां जो हेडिंग है,
जिसमें हम लोग प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट को पढ़ रहे हैं, जिसमें बैचिंग मिक्सिंग, जिसको हम लोग एक तरीके से RMC भी बोलते हैं, रेडीमेड कंक्रीट जब तैयार करके ट्रांसपोर्ट करके भेजा जाता है तो वो इसी प्रोसेस से ही भेजा जाता है। और उसके बाद 11वें में हम लोग फ्रेमवर्क को पढ़ेंगे, फ्रेमवर्क एक तरीके से शटरिंग वर्क जिसको बोलते हैं। 12वें में असेंबली ऑफ रेनफोर्समेंट, अब हमने रेनफोर्समेंट भी तैयार कर दिया। रेनफोर्समेंट इज स्टैंड फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ, रेनफोर्समेंट शब्द का हमेशा इस्तेमाल वहाँ पे होगा जहाँ पर हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ को चाहिए, तो 12वें में यहाँ पर बता दिया गया। 13वें चैप्टर में ट्रांसपोर्टिंग प्लेसिंग एंड कम्पैक्टिंग ऑफ एंड क्यूरिंग वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है 13वें चैप्टर में। और 14वें चैप्टर में क्या बताया गया है, सॉरी चैप्टर नहीं हेडिंग है, चैप्टर तो हमारा 2 है जिसमें 5 से 17 तक हेडिंग है। 14वें हेडिंग में बताया गया है कंक्रीट अंडर स्पेशल कंडीशन। उसके बाद 15, 16, 17 में टेस्टिंग बताए गए हैं कि हमारे सीमेंट से रिलेटेड किस तरीके से टेस्ट होंगे, उसके इंस्पेक्शन वगैरह किस तरीके से होंगे। ये अब चैप्टर के हम लोग डिटेल में अंदर चलते हैं। चैप्टर 2 जिसको सेक्शन 2 बोला गया है IAS कोड में, उसमें वो स्टार्ट है हेडिंग नंबर 5 से, जिसको हमने 5.0 नाम दे दिया, जिसका नाम है मटेरियल। मटेरियल्स जिसमें सबसे पहले नंबर का मटेरियल है उसको 5.1 एक सब हेडिंग बनाकर बताया गया है, जिसका नाम है सीमेंट। तो हम लोग यहाँ पर सीमेंट की बात करने वाले हैं, तो इस जगह पर तो सबसे पहले आप नोट कर लीजिए टाइप्स ऑफ रिकमेंडेड सीमेंट। अब हमारी रिकमेंडेड सीमेंट कौन कौन सी हैं, तो मैं यहाँ पर 10 सीमेंट के बारे में आपको बताऊंगा, 3, 4, 7, 8 और 10 10 तरह की सीमेंट के बारे में यहाँ पर मैं बताऊंगा। अब देखिए 5.1 में, 5.1 को जब आप पढ़ोगे तो वो एक काफ़ी टेक्निकल लैंग्वेज में उस सारी चीज़ों को बताया गया वहाँ पर, लेकिन उसको शॉर्ट आउट करके उसको इजी वे में यहाँ पर आपको डिलीवर किया जा रहा। तो उसमें देखिए सबसे पहले हमारी सीमेंट है 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जिसको OPC बोलते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो हमारी 33 ग्रेड है, 43 है और 53 है। 33 ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 43 ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, 53 ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, सबका नाम OPC होता है। OPC ग्रेड बस चेंज हो रहा है, यहाँ पर 33, यहाँ पे 43, यहाँ पे 53। तो अब सोचने वाली बात ये है, डिजिट जो है 33, 43 एंड 53 रिप्रेजेंट्स 28 डेज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ये 28 दिनों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को बता रहे हैं, जो कि यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर में है। इसकी यूनिट जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर में यूनिट्स की है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की। अब ये जो स्ट्रेंथ है वो हमारी एक क्यूब बनाकर निकाली जाती है स्ट्रेंथ। तो उस क्यूब को जैसे मैंने यहाँ पर अगर एक क्यूब बनाया, तो इस तरीके का क्यूब बनाया जाएगा जो कि मोर्टार का होगा, जिसका रेशियो 1:3 होगा। 1:3 मतलब सीमेंट अगर आपका 1 है तो उसके रिस्पेक्ट में सैंड जो है वो 3 रहेगा। इस तरीके के प्रोपोर्शन को मिक्स कर एक क्यूब बनाया जाएगा, जिसमें ये जो डिस्टेंस है ये 7.05 सेंटीमीटर होगा, ये भी 7.05 सेंटीमीटर होगा। तो आप मल्टीप्लाई कराओगे लगभग 49.7 आएगा, यानी कि कहने का मतलब ये है जो इसका एरिया है क्यूब के सरफेस का एरिया सारे, मतलब इसमें 6 सरफेस होंगे, 6 जिसमें उसका सरफेस एरिया जो है वो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। इस तरीके का क्यूब बनाकर उसे 28 डेज में, 28 दिन बाद उसकी स्ट्रेंथ हम लोग चेक करेंगे, तो वो हमारी जो स्ट्रेंथ आएगी वो 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड अगर सीमेंट इस्तेमाल किया है
तो 33 से ज़्यादा ही आनी चाहिए, 43 से ज़्यादा आनी चाहिए। अगर 43 यूज करा है, 53 से ज़्यादा आनी चाहिए। जब 53 यूज करा है वो एक अलग तरीके का टेस्ट होता है, जब उस टेस्ट को परफॉर्म करेंगे तब वहाँ पर उसकी बातें डिटेल में करेंगे कि कितने सैंपल नंबर ऑफ सैंपल लेने पड़ेंगे, किस तरीके से टेस्ट परफॉर्म होगा, उसकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या होगी, टेम्परेचर क्या होगा, हर एक चीज़ तब हम लोग वहाँ पर मेजर करेंगे। अभी हम लोग एक जनरल बात कर रहे हैं, तो इसका सरफेस एरिया कितना होना चाहिए, 50 सेंटीमीटर का इसके सरफेस का एरिया, इस तरीके का एक क्यूब परफॉर्म करेंगे। रेशियो उसका कितना होना चाहिए, 1:3 मोर्टार का, जिससे कंक्रीट हमारा ये जिससे हमारा क्यूब बनेगा। तो ये हमारे यहाँ पे तीन सीमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, 33, 43, 53 ग्रेड की हमारी सीमेंट यहाँ पर हो गई। अब चौथी नंबर की है रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। जैसा कि नाम में ही समझ में आ रहा है, रैपिड हार्डनिंग मतलब ये जल्दी से हार्ड होने की एबिलिटी होगी इसकी, पोर्टलैंड सीमेंट। अब इन सब टॉपिक के बारे में डिटेल में जो बताया गया है वो हमारा बीएमसी में बताया गया है, बेंडिंग बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के सब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पर ये उसका ओरिजिन है, मतलब यहाँ पर आप जैसे अगर आपसे किसी ने कह देगी ये बात कहाँ पर लिखी है, तो हम उसे बता सकते हैं कि 5.1 क्लॉज में इस रैपिड हार्डनिंग सीमेंट पोर्टलैंड सीमेंट के बारे में यहाँ पर दिया गया है, कुछ बातें हमें यहाँ पर बताई गई हैं जो टेक्निकल एस्पेक्ट से बहुत ज़रूरी है। पाँचवीं हमारी पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, स्लैग सीमेंट। सिक्स नंबर है पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट फ्लाई एस पर बेस्ड ही होती है, फ्लाई एस पर, फ्लाई एस को एक तरीके से राख बोलते हैं, इसको हम लोग पीपीसी भी बोलते हैं, इसको हम लोग पीपीसी भी बोलते हैं, पीपीसी। दूसरी हमारी पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, ये कैल्सिनेटेड क्ले पे बेस्ड ऑन है, कैल्सिनेटेड क्ले पे, क्ले पे बेस्ड ऑन है पोर्टलैंड सीमेंट, इसको भी पीपीसी बोलेंगे। अब हमारी आठवीं नंबर पे आती है हाइड्रोफोबिक, फोबिया शब्द का इस्तेमाल करा जाता है डर के लिए, हाइड्रोफोबिक, फोबिक, ये फोबिक, ये फोबिया से ही लिया गया है, हाइड्रोफोबिक सीमेंट। मतलब ये सीमेंट वहाँ पर इस्तेमाल करी जाएगी जहाँ पर हमें पानी के अंदर अगर काम करना हो, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम में इसका इस्तेमाल होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम में हमें इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट जो है, लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, इसका इस्तेमाल हम लोग लार्ज डैम में भी कर सकते हैं, पानी के अंदर के जो हमें स्ट्रक्चर बनाने हैं वहाँ हाइड्रोफोबिक सीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कंक्रीट ऑफ लार्ज, कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज डैम के लिए हम लोग लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब दसवें नंबर में हमारी सल्फेट रेजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड सीमेंट, इतनी बात हो गई कंप्लीट। अब एक बात आप समझिए, द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड, ये जो मोल्ड बनाया गया है इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए उसका ये जो डायमेंशन है 7.05 दी जाएगी सेंटीमीटर में, और इसका सरफेस एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और ये हमारा जो मोर्टार है उसका रेशियो रहेगा 1:3 का मोर्टार तैयार करा जाएगा, मोर्टार। तो ये जो 5.1 हेडिंग है ये हमें सीमेंट के बारे में बता रही है। इसी तरीके से 5.2 में हमें मिनरल एडमिक्सचर के बारे में बताया गया है, जो कि हमें यहाँ पे एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर हम एकदम डिटेल में जाएंगे तो ये फिर बहुत ही लेंदी हो जाएगा ये हमारा टॉपिक। तो अब इसलिए हम लोग नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 5.3 में एग्रीगेट के बारे में।
एग्रीगेट्स के बारे में देख लेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से जब एग्रीगेट में कोई बात अगर हमको और डिटेल में जाके बोलनी है तो 5.3.1 इस तरीके से मैं आपको बताता जाऊंगा। तो आपको जैसे ये बातें अगर देखनी है कहाँ पे है तो आप IS कोड खोलिएगा, 5.0 में मटेरियल होगा, जहाँ पर 5.1 में सीमेंट के बारे में दिया गया होगा, तो आप वहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। तो पहले तो हमें IS कोड को देखना आना चाहिए किस तरीके से हम लोग देखेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अपने एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू गाइस वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।